क्या तुम अपनी गुजरी हुई जिंदगी पर कुछ रोशनी डाल सकते हो? मेरी जिंदगी में कोई रोशनी नहीं, अंधेरा ही अंधेरा है। एक किरण पल भर के लिए फूटी थी, लेकिन वो भी उन अंधेरे में गायब हो गई। तुम्हें अपनी पिछली जिंदगी के बारे में कुछ याद नहीं? बचपन से कुछ उठती उठती बातें मेरे कानों में पड़ती रही हैं। मसलन मास्टर ने मुझे अनाथ आश्रम से उठा के पाला था, और चूंकि सबकी माँ होती है इसलिए मेरी भी एक माँ थी जो मेरे पैदा होती मर गई। और बाप? मालूम नहीं जिंदा है या मर गया। काश मुझे उसका पता होता, मैं अपने हाथों से उसका गला खोल देता। जैसे मास्टर को मारा तो मैंने मास्टर को नहीं मारा है, बल्कि वो अपनी मौत खुद ही मर गया। ये ठीक कह रहा है। तुम मास्टर के लिए क्या काम करते थे? मैं उसके लिए जुआ खेलता था। जुआ खेलता था योर ऑनर? मुझसे खिलवाता था योर ऑनर। लेकिन तुम उसे छोड़ सकते थे? हाँ, मैं उसे छोड़ सकता था, लेकिन तुम उसे छोड़ना नहीं चाहते थे। इसलिए मास्टर मुझे हमेशा डराता था। तुम डरते थे जो गाली के बदले घूंसा मार सकते हो? इसलिए उसके पास मेरी जिंदगी का एक राज था। कौन सा राज? इसके खुल जाने से बहुत से लोगों की जिंदगी तबाह हो सकती है। क्या यही वजह थी जो तुम उसका खून करने जुआ खाना पहुंचे? उसका खून करने के लिए नहीं, बल्कि मैं जुआ खाना इसलिए पहुंचा कि वो मुझसे ब्लैकमेल का 2 लाख रुपया मांग रहा था। 2 लाख? जी। इतना रुपया तुम्हारे पास कहां से आया, कैसे आया? मैंने इन हाथों से कमाया, जुआ खेलकर। मुल्जिम ये कहना चाहता है योर ऑनर कि मास्टर के लिए जुआ खेलना बंद करके इसने अपने लिए जुआ खेलना शुरू कर दिया, और उसके बाद आपकी वाकफियत के लिए ये बता दूं वकील साहब कि हर आदमी जिंदगी में जुआ खेलता है, सिर्फ उसे ढंग अलग अलग होते हैं। मेरा जुर्म ये नहीं है कि मैंने लाखों रुपया कमाया, मेरा जुर्म यह है कि मैंने वो रुपया दान कर दिया। मेरा जुर्म यह है कि मैंने उस रुपए का एक हिस्सा उस लड़की जूली के नाम कर दिया, ताकि वो भी समाज की उस बेरहम और कठोर मशीन का शिकार न बन जाए जो अपने शिकंजे में आने वाली हर चीज को कुचल के पीस के रख देती है। मेरा जुर्म यह है कि मैंने गिरी हुई लड़की को बहन बनाया और एक ऐसे ऊंचे तबके की लड़की से प्यार किया जहां इंसान की मोहब्बत सिर्फ रुपए के तराजू में तोली जाती है। तुम्हारा जुर्म? मेरा जुर्म यह है कि मैं अपने हाथों को फौलाद के हाथ देखना चाहता था, लेकिन मुझे सड़कों से उठाकर पाल पोस कर बड़ा करने वाले चाहते थे कि मेरे ये हाथ उनके लिए सोने के हाथ बने रहे। मेरा जुर्म यह है कि मेरी मुजरिम जिंदगी के जिम्मेदार मुझे मार डालना चाहते थे और मैं जिंदा रहना चाहता था। और अगर मैं आज मार डाला गया होता योर ऑनर, तो सच्चाई बताने के लिए कोर्ट में कोई आदमी मौजूद नहीं होता। योर ऑनर, यह अदालत है, एक्टिंग का स्कूल नहीं। अगर कानून लफ्जों की जादूगरी से चकाचांद हो जाए तो इंसाफ का जनाजा उठ जाए, लेकिन कानून सबूत पर जाता है, सच्चाई पर जाता है, असलियत पर जाता है। और असलियत यह है कि मुजरिम ने मास्टर का सिर्फ नहीं किया है, बल्कि उसे मारकर मैंने हैवानियत के दौर को खत्म किया है जो बच्चली और गिरावट को जन्म देता है योर ऑनर। उसे मारकर मैंने बुराई की जड़ों को काटा है, और अगर समाज से गिरावट और अत्याचार को खत्म करना उससे उसके एक बदनुमा धब्बे को मिटा देना गुनाह है। है गुनाह है। किसी पर वार करना गुनाह है, किसी की जान लेना गुनाह है, किसी के पेट में चाकू भोंक देना गुनाह है, और उस गुनाह का एक बाल मुल्जिम कर चुका है। योर ऑनर, ये उसी सजा का मुस्तहिक है जो किसी भी पेशावर कातिल को मिलनी चाहिए। नहीं योर ऑनर, ये आदमी कातिल नहीं है। अगर ये कातिल है तो इसमें मैं भी बराबर का हिस्सेदार हूं योर ऑनर। जो कुछ कहना है कटहरे में आकर कहो। योर ऑनर, पुलिस ने अपने बयान में कहा कि मौका वारदात पे 2 चाकुओं के निशान मिले। एक वो जिससे मास्टर का खून हुआ, और दूसरा वो जो लकड़ी के तख्ते में धंसा हुआ था। मैं अदालत से ये दरखास्त करूंगा योर ऑनर कि दोनों चाकुओं पर उंगलियों के निशानात की दोबारा जांच करवाई जाए। चाकुओं पर उंगलियों के निशानात की रिपोर्ट पेश की जाए, तब तक लिए अदालत को मुलतवी किया जाता है।